हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किसी मोबाइल को चोरी हुआ तो, और किसी मोबाइल खो गया तो, और किसी मोबाइल हमारे घर में रहे तो हमारे को पता नहीं बोले तो उसको कैसे ढूंढ सकते बोलो। यहाँ पर देखो, इस मोबाइल अब मेरा चोरी हो गया तुम समझ लो, इस मोबाइल को मैं कैसे ट्रैक करूंगा। देखो यहाँ पर देखो, बहुत आसान से इस मोबाइल को ट्रैक करूंगा मैं, गूगल से हेल्प से इस मोबाइल को ट्रैक करूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्रोम में जाकर, यहाँ पर देखो क्रोम में जाकर, यहाँ पर एक मैं क्रोम में जाऊंगा, क्रोम में जाकर यहाँ पर न्यू इनकॉग्निटो टैब में जाऊंगा। पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा फाइंड माई डिवाइस बोलकर, यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस बोलकर क्लिक करूंगा। फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करूंगा, यहाँ पर देखो फाइंड माई डिवाइस ऐप आ रहा है, देखो यहाँ पर वेबसाइट आ रहा है, उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, अब हमारे को ये पूछ रहा है, जीमेल आईडी पूछ रहा है यहाँ पर। जीमेल आईडी बोल तो हमारा कौन सा मोबाइल चोरी हुआ है ना, उस मोबाइल का जीमेल आईडी डालना। अब इस मोबाइल मेरा चोरी होगा तुम समझ लो, उस मोबाइल में कौन सा जीमेल आईडी है मेरे को पता है, इस मोबाइल में कौन सा जीमेल आईडी है बोलकर उसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, इस मोबाइल का ढूंढना चाहता हूँ। इसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा बोलते, यहाँ पर देखो इसको लॉक डालूंगा पहले। अब देखो उस मोबाइल का जीमेल आईडी मेरे को पता है, अखिलेश 8861, ये जीमेल आईडी है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो उस जीमेल आईडी का मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पर मैं उस पासवर्ड मारता हूँ। यहाँ पर देखो पासवर्ड मार रहा हूँ मैं, पर देखो मैं पासवर्ड मार रहा हूँ। पासवर्ड मारने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब देखो ये फाइंड कर रहा है कौन सा मोबाइल है, फाइंड कर रहा है, देखो कौन सा मोबाइल है फाइंड कर रहा है। देखो पर देखो थोड़ा टाइम होने के बाद ये फाइंड करेगा, अब फाइंड करा, देखो अब फाइंड करा बोलकर इस मोबाइल में भी आ गए। देखो ये फाइंड हुआ बोले तो टुकड़ी। अब इस मोबाइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा लोकेशन है, यहाँ पर देखो हनुमान द्वाड़ी यहाँ पर आ रहा है, देखो कौन सा लोकेशन में है, और इसको साउंड भी हम बजा सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्लाइट साउंड बोलकर, यहाँ पर देखो फ्लाइट साउंड, यहाँ पर साउंड आ रहा है, देखो यहाँ पर साउंड आ रहा है। तुम ऐसे अब स्टॉप रिंगिंग करूंगा मैं, अब तुम कौन से भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिवाइस पर क्लिक कर रहे तो तुम सिक्योरिटी डिवाइस क्या कर सकते बोलो तो, उनको किसी को भी एक एक बार तुम्हारा मोबाइल मिले तो उनको एक बार वो किसका मोबाइल है उनको पता नहीं रहता, इसलिए हम क्या कर सकते बोलो तो, अब मैं अखिलेश रेड्डी यहाँ पर डालूंगा नाम, अखिलेश रेड्डी डालूंगा। अखिलेश रेड्डी डालने के बाद यहाँ पर देखो अब नंबर डालूंगा, ये उन्होंने किसी डायरेक्ट देखो अब नंबर डाले तो अब देखो कुछ भी यहाँ पर है, कुछ भी नहीं है ना। अब सिक्योरिटी डिवाइस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कैसा आएगा देखो, सिक्योरिटी डिवाइस पर क्लिक करने के बाद तुम एक बार देखो, अब देखो यहाँ पर देखो कौन सा अखिलेश रेड्डी कॉल ओनर, उस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट कॉल ओनर पर जाएगा। कॉल ओनर का नंबर क्या है देखो, 7975, उस पर क्लिक करूंगा। अब मेरे को फोन कैसा आएगा देखो, तुम ही देखो मेरे को कैसे फोन आएगा देखो, देखो देखो मेरे को कैसे फोन आ गया ना। ऐसे ही तुम भी कर सकते हैं, ऐसे ही और इरेज डिवाइस पर तुम्हारा डाटा कौन सा भी इंपॉर्टेंट है बोल तो इरेज डिवाइस भी कर सकते हैं। इरेज बोलो तो पूरे तुम्हारे मोबाइल में कौन सा फोटोस है सब इरेज होगा, कॉन्टैक्ट नंबर सब इरेज होगा। तुम ऐसे ही कर तुम्हारा मोबाइल ढूंढ सकते हो, तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ तो एक एक बार तुम्हारा मोबाइल घर में ही रखे तो तुम्हारे को पता नहीं बोल तो ऐसे कर तुम ढूंढ सकते हो। यहाँ पर देखो लोकेशन भी यहाँ पर दिखा रहा है, कहाँ पर है बोलकर एग्जैक्ट लोकेशन दिखेगा, और कौन सा तुम्हारे मोबाइल में कौन सा चार्जर, कितना चार्जर है बोलकर भी ये भी बताएगा, कौन सा सिम है बताएगा। ऐसे कर तुम्हारा मोबाइल तुम ढूंढ सकते हो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो।